गति फिल्म का हमने जो पोस्टर लॉन्च किया है, ये फिल्म हमने अवार्ड के लिए बनाई। समाज के जो एक माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस स्तर तक जा सकती है, कितना कष्ट उठाती है पति मरने के बाद, वो सारी चीज़ों को हमने चित्रित किया है 45 मिनट की हमारी शॉर्ट फिल्म में। आज क्या गाने रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहे हैं क्या उस? आज इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया है हमने, और एक नन्ही परी हमारी फिल्म बन रही है, उस फिल्म का हमने आज गाने से आगाज किया है। सदगति में आर्टिस्ट कौन कौन है? सदगति में ये शिवानी बने मेन हीरोइन, यही है टाइटल रोल जिन्होंने किया है, और सही ब्रेक मिल जाए तो आने वाले कल की स्मिता पाटिल ये साबित हो सकती है। इतना बढ़िया काम इस लड़की ने किया, थैंक यू। ऐसे मेरे दिल की आवाज़ है, मतलब इसके काम करने का तरीका। राजपाल भाई डायरेक्टर है उसके। राजपाल जी क्या कुछ कहेंगे सर? सर इस फिल्म की खास बात यह है कि एक कचरा बनने वाली, एक कचरा चुनने वाली लड़की जो हीरोइन होती है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के IAS पीसेस बनाती है। बस वन लाइन यही कहानी है। इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये उपज हमारे राजू भाई की है स्टोरी, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत किया है। और सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है, इसमें बच्चा भी है तो पहली बार कैमरा फेस किया, एक नंबर आर्टिस्ट। डॉक्टर भी पहली बार कैमरा फेस किया, वो भी एक नंबर आर्टिस्ट, और बिल्डर ने एक नंबर, और सब नए नए नए, इनकी किस्मत इतनी अच्छी है, नए नए लोग अच्छे काम कर गए, तो इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। हाँ, ये किस्मत बड़ी जोरदार है। एक रियल थोड़ी सी बेस्ड कहानी है। ये फिल्म आज से 15-20 साल पहले मैं बनाना चाह रहा था। उर्मिला मातोंडकर को लेकर के पूरी फिल्म बनानी थी। उर्मिला मातोंडकर के फादर के साथ मैंने बहुत बात करी, हमारे सब तैयारी हो गई, लेकिन होता है जानते हैं इंडस्ट्री में, लोग आते हैं पीछे रह जाते हैं, मैं पीछे हो गया और प्रोजेक्ट रुक गया। तो हमने वही सोचा, एक दिन राजपाल मुझे बोले यार कुछ करते हैं, मैं बोले एक कहानी है यार, इसको मैंने सुनाया, बोले शुरू करते हैं। अब आर्टिस्ट नहीं, अब बड़ा आर्टिस्ट लें कैसे? तो इन्होंने इस लड़की को बुलाया, लड़की ने आई, बात करी मेरे से, मैं बोला यार ये कर लेगी परफेक्ट, तो इसको हमने कास्ट किया। लेकिन क्या होता है, मिनिमम बजट में अगर आपको फिल्म बनानी है तो बहुत सारी चीज़ें समस्याएं होती हैं। अब काम करते गए, एक 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 मेरा दोस्त है डॉक्टर, अब डॉक्टर दिखाना है, मैं बोला इसी को शूट कर लेते हैं, क्या करें। वकील मेरा दोस्त है, वकील का सीन था, उसी कर लेते हैं। शमशान घाट गए, मैं बोला पुलिस स्टेशन रियल करते हैं, काशी मेरा पुलिस स्टेशन में कैमरा लेके घुस गए, वो रियल कर लिया। तो सब रियल करते 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 हो गया, रियल हो गया, रियल बेस्ट स्टोरी बनी। रियल थैंक यू सो मच। ये दोनों के वजह से मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। इन्होंने इन दोनों ने मुझे जो चांस दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की भी। और मैंने जब भी फर्स्ट टाइम ये स्टोरी सुनी, दैट टाइम माय बॉडी वाज लाइक शिवर्ड, और मेरे बॉडी पे पूरे गूजबम्स आ गए, क्योंकि वो स्टोरी वैसी थी। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ऐसे रोल कभी करूँगी, और मतलब वो रोल ऐसा है ना कि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर अ लोअर कास्ट मिडल क्लास। इसमें ना आपको इतना अच्छा मैसेज गया ये शॉर्ट फिल्म से, आप देखोगे तभी। अगर कोई हाई मिडल क्लास, हाई क्लास, सबको ये स्टोरी देखनी चाहिए। कोई, क्योंकि कोई डायरेक्टली बड़ा नहीं होता, हर चीज़ छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी होती है। और आजकल के ज़माने में पैसा इतना बड़ा हो गया लोगों के लिए कि वो रिश्ते नाते ये सब भूल गए, और पैसों के पीछे इतने भाग रहे हैं कि उनको अपनी खुशी किस में, ये भी नहीं, ये भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं आजकल के ज़माने में। और मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जनरेशन जो भी है, फिर भी माय सोल इज़ 90s, तो इनकी स्टोरी सुन के भी मुझे बहुत कुछ, मैं खुद सीखी हूँ इस स्टोरी में। काम करते वक्त भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, क्योंकि गोयल सर ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और ये स्टोरी को मैं कैसे ना बोलती, या आप देखने के बाद ही आपको समझेगा। और हम लोग ने ये स्टोरी जो भी शूट की है, वो रियल जगह पे जाके रियल लोगों के साथ, कोई भी यहाँ पे मतलब मुझे छोड़ के या फिर एक दो जन छोड़ के, कोई भी इस फिल्म में आर्टिस्ट नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर नहीं है, जिन्होंने भी काम किया है वो रियल लाइफ में पुलिस, डॉक्टर, एडवोकेट। दिस इज़ द मेन बिगेस्ट थिंग इन दिस शॉर्ट फिल्म। तो मैं आप सभी को ये कहूँगी कि आप ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखना, आपके रिव्यूज़ बताना, आपको स्टोरीज़ कैसी लगी, क्या क्या है इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डायरेक्टर जी ने और हमारे DOP ने इतने अच्छे तरीके से ये सबके सामने लाई है, तो आप ज़रूर जाके देखिए। सदगति का मतलब क्या है, यही मेन बात है। हर इंसान ये चाहता है, भले वो पुण्य करे, पाप करे, कुछ भी करे, वो चाहता है कि मुझे सदगति मिले।
लेकिन उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। यही कॉन्सेप्ट। कहाँ क्या प्लान है, कहाँ रिलीज करेंगे, किस तरह रिलीज करेंगे? ये फिल्म मैं शायद 25 से 30 लैंग्वेज में डब करूँगा और अवार्ड के लिए भेजूँगा इसको। रिलीज का तो भी टाइम है उसको, बहुत फेस्टिवल के लिए फिल्म है। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई, जैसे आपने कहा कि विरार, हाँ काशी विरार, नेचुरल लोकेशंस पे। सर कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, इनफ, सब बोल दिया भाई, कुछ नहीं। अभी ये लड़की ने भी रोल किया है, वो लड़का है साहिल, उसने भी रोल किया है। सब बताइए ना, हाँ तो इनसे बताएंगे। आइए, ऐसा करेक्टर मिला लेकिन मैंने बेहतरीन काम किया इसमें, आप लोग जरूर देखिए। सर ने जैसा बोला कि मतलब सतगति एकदम एक छोटा सा नाम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत निकलता है, आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि बता देंगे तो फिर देखने का मतलब नहीं है। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैंने इसमें ये हमारी सास का रोल किया है इसमें, और मैं जो मैं नहीं लगती वो भी बता। और ये शॉर्ट फिल्म एक ऐसी स्टोरी है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत है कि कूड़े वाली भी इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचती है, मतलब उन चीज़ों को ऐसा लगेगा ऑडियंस जब देखेगी ना इसको तो मतलब देखने को इसमें मजबूर हो जाएगी, मतलब पूरे तरीके से अगर पूरा देखे उठेगी नहीं, एक बार बैठ के देखने के लिए। दिल को छूने वाला एक कॉन्सेप्ट है, माँ कूड़े वाला का प्रश्न ही है इसमें। एक माँ अपने बच्चों को एक सपना देखती, मुझे इनको पढ़ाना है, उसके लिए किस हद तक जाती है, हस्बैंड कैसे रोकता है, बहुत इतना स्ट्रगल करते, स्कूल में खड़ा नहीं किया जाता उनको, स्कूल वाले भगा देते हैं, फिर भी जाती है और आखिर में एक बंदा मदद करके अंदर भेजता है, फिर बच्चों को पढ़ाती है। सब बहुत सारे और सर की सब पूरी टीम वर्क हुई है, और आप लोग जरूर देखें इसको और अपना प्यार दें। मैं गोयल साहब को और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि कहा कि सदगति, सदगति बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो जिस तरह से सदगति का मतलब मोक्ष होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं इस फिल्म के द्वारा चाहती हूँ कि जो हमारे गोयल साहब जो इससे रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी उनको दिल से शुभकामनाएं हैं, डायरेक्टर को और आपका नाम क्या, शिवानी, शिवानी को जो शिव की बच्ची है और मैं खुद शिव भक्त हूँ, तो मैं सभी को जो है शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे सदगति का मतलब मोक्ष होता है, तो इस सदगति से सभी के कैरियर को जो है एक नई उड़ान मिले और एक नई जो है पहचान मिले। थैंक यू सो मच। इनके बेटे का भी नाम मोक्ष हो सकता है, मेरी एक फिल्म है डेंजरस 18, उसमें मोक्ष करके वो लॉन्च करने वाला है। अरे चलिए सर, राजू जी को बधाई देता हूँ, काफी समय से ये तैयारी कर रहे थे कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, और ये मेरे साथ बनाना चाह रहे थे। इनफैक्ट मैं भी इस फिल्म में करने वाला था बट मैं कर नहीं पाया, और इन्होंने सदगति फिल्म बनाई, उसका फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है। और रही बात राइटिंग की, एज ए राइटर तो ये इंस्टेंट हैं, अगर आप बोलोगे दो मिनट में आपको नई से नई कहानी सुना देंगे, इनके दिमाग की उपज है हर कहानी। बट फिल्म को मेरी वेरी ऑल द बेस्ट, डायरेक्टर साहब को, राज जी को बहुत बहुत बधाई, प्रोड्यूसर साहब को और सभी एक्टर्स को विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, बाकी देवी माँ अच्छा ही करेगी जो भी करेगा। को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सदगति जो हमारे राजू गोयल जी ने बनाया है, एक बहुत अच्छी फिल्म, बहुत सूझबूझ के साथ बनाया है। हमारे डायरेक्टर राजपाल जी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, राजू जी तो एक अलग ही चीज़ हैं। वैसे जैसे कहा गया है कि पैसा तो अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, बाजारों में देखो कफन बिक रहे हैं, सब कुछ है बिकता ये पैसों के खातिर, यहाँ तक कि विंध्या दामन बिक रहे हैं। तो हमारे राजू जी आगे बढ़ रहे हैं, मेरी हर इंडस्ट्री में सबसे यही कामना है कि देखो आज कर रहा है बातें मानो ऊंच गगन से, सब कुछ कर सकते हो भाई मेहनत और लगन से। जो हमारे राजू गोयल जी में है, हम लोग आगे बहुत काम करेंगे, इंडस्ट्री को एक अलग अलग चीज़ देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात। सदगति राजू भाई का एक सपना था जो अवार्ड विनर पिक्चर बनाई जाए, तो इन्होंने अवार्ड के लिए इस सब्जेक्ट को चुना है।
और वो सब्जेक्ट वाकई बहुत अच्छा है, जो जो आप सोच नहीं सकते आपको लगेगा, जैसे बहुत सारे लोग देखेंगे वो पिक्चर तो उन्हें लगेगा कि हमारे ऊपर ये कहानी बीत रही है, ये ऐसी कहानी है। और इसमें एक बार जो शुरू कर देगा देखना वो पूरे एंड करके ही इसको मानेगा, बीच में नहीं छोड़ पाएगा, इतना इंटरेस्टेड पिक्चर है। बस ये नन्हे परी एक फिल्म सच्चाई से प्रेरित है, समाज में सड़क पर जो बच्चे भीख मांगते हैं उनके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, कहाँ तक हफ्ता जाता है, मिनिस्टर तक, इस तरह की कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी करने वाले हाँ होते रहेगा। कोई तो ऐसा शख्स चाहिए ना जो सच्चाई से रूबरू कराए लोगों को। अमन जी, अमन जी, आप नन्ही परी, ये शब्द आते ही जेहन में एक खिलखिलाता हुआ चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा नजर आता है। लेकिन अगर उसी नन्ही परी के साथ जिसे आप कल्पनाओं में कहीं और देखते हैं या सामने भी कहीं और पाते हैं, उसके साथ जो अत्याचार किया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उसके हाथ चेहरे को जलाया जाता है, उसके आँख को फोड़ा जाता है, सिर्फ अपने इनकम के लिए, अपने फायदे के लिए, क्यों? इस सच्चाई से कब तक हम आँख फिर के जा सकते हैं? किसी भी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो एक बच्चा आता है हाथ पैर टूटा हुआ, दे, क्यों? और इसका कौन है जिम्मेदार? अकेला कोई जिम्मेदार नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार, और समाज से इस बुराई को खत्म होना ही चाहिए। अगर हम ये खत्म नहीं कर सकते तो हम मीडिया में क्यों हैं? हम सिर्फ कमाने के लिए फिल्में नहीं बनाते, कुछ ऐसा भी होना चाहिए हमारे पास जो समाज के विकृतियों को सामने लाए, लोग देखें, करीब से समझे उस चीज को, ऐसा क्यों? यही है नन्ही परी। क्या प्लान है, कब फ्लोर पे जाएगी, कब तक? 6-7 को शूट है फिल्म का, आज गाना रिकॉर्ड हो रहा है, 6-7 को शूट करेंगे, फिर उसके बाद मेरे आर्टिस्ट हैं जैसे मैम कर रही हैं रोल, ये है नहीं, दीपक भाई अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग 12 के बाद फिर 3 दिन करेंगे, मतलब अप्रैल में फिल्म को पूरा करेंगे। शूटिंग कहाँ कहाँ हो जाएगी? विरार में होगी, मतलब होगी बॉम्बे में ही, बॉम्बे के बाहर नहीं करेंगे, बॉम्बे और आसपास। आज क्या गाना रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ, आज फिल्म में 2 गाने हैं जो अभी रिकॉर्ड हुए हैं, एक हुआ एक होने वाला है। कौन सिंगर है? क्या अलका झा सिंगर है इसमें, फिर एक गाना है जो भिखारी गैंग के बाबा के ऊपर है, जैसे कल्लू मामा टाइप का था वो है, उसमें 4 सिंगर भी गाएंगे, वो आ रहे हैं, कौन कौन है पता चलेगा। आर्टिस्ट की बात करें तो नन्ही परी दिख रही है। हाँ, ये यही है हमारी, ये नन्ही परी है, ये डीसीपी का रोल करेंगे मैम, मोनिका पटेल, मेरा नाम मोनिका पटेल है, दीपक भाई मिनिस्टर का रोल करेंगे, गृह मंत्री, बहुत बड़ा मस्का लगा के लाया हूँ, बिजी है इतने, इन पर अपने प्रोजेक्ट्स में करने को लेकर बोला भाई करना ही पड़ेगा। आपको बेटा क्या कहोगे, आप कुछ कहोगी फिल्म के बारे में? बोलो, आप बताओ कुछ, बोलो बोलो बोलो, आ जाएगी मीरा, जोर से बोलो, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। परी की, माय नेम इज दीक्षा मिश्रा। ओके, बोलो आप क्या रोल कर रहे हो, बताओ अपने रोल के बारे में। सीधा से बोल दो, मैं नन्ही परी हूँ बस। बोलो मैं नन्ही परी हूँ, मैं नन्ही परी हूँ, ऊपर वाले की जादूगरी हूँ, मुझे संभाल कर रखना, मैं सबसे प्यारी नन्ही परी हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा। चूँकि सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, रमेश जी जो अपना गोयल साहब जो हैं उन्होंने जो है मेरे से डिस्कस किया था और कहा था, जब डायरेक्टर की और गोयल साहब की हमारी मुलाकात हुई थी, कि इसमें जो है एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, जो इस जो क्राइम है उसके अंदर वो इन्वॉल्व होती है, और किस तरह से जो है पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस जो है वो दबाव डालते हैं, और किस तरह से जो है ये सॉल्व जो है ये समाज के सामने, सोसाइटी के सामने उजागर होता है। एंड आई एम ग्लैड टू पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज ये एक सोशल कॉज के लिए हम कर रहे हैं। और मैं गोयल साहब को यही कहूँगी कि आपने अभी जो सदगति है उसके बाद नन्ही परी, और आप इसी तरह से जो नए नए जो है प्रोजेक्ट लेकर आते रहें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं और समाज को, सोसाइटी को जो है आईना दिखाते रहें और उससे जो है परिचित करवाते रहें। थैंक यू सो मच। मैं इस फिल्म में एक नेता का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। राजू भाई ने काफ़ी दिन पहले मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया था, इस फिल्म के बारे में, तो
फिलहाल मैं एक्चुअली मेरे पास जो ये डेट पे शूट कर रहे हैं मैं बिजी हूँ उस वक्त। एक्चुअली मैं अपना एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। तो फिर भी मैंने राजू भाई को बोला ठीक है मैं करता हूँ, बट मुझे कहानी अच्छी लगी थी, फिल्म की कहानी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। और राजू भाई को मैं वैसे भी किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकता, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं हमेशा इनके लिए हाजिर रहता हूँ, तो आज भी आ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी सर, आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गोयल फिल्म से जो भी सब्जेक्ट निकल रहा है वो समाज को आईना दिखाने के लिए और समाज को सुधारने के लिए और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग ऐसी पिक्चरों का निर्माण कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी। ये फिल्म थिएटर के लिए है, सिनेमा रिलीज होगा ये, क्योंकि इसमें क्या है, पुलिस ने एक सेल बनाया है मुस्कान, अगर आप लोगों को तो पता ही होगा, जिसमें जो बच्चे किडनैप हो जाते हैं उनको, उस सेल का निर्माण इसीलिए किया गया कि जितने बच्चे किडनैप हुए उन बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुँचाना। तो वही किरदार हमारे डीसी के मैम का करा रहे हैं इनसे, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। पुलिस महासंचालन जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है शुरू कर, लास्ट में मेरा एक रिव्यू ले लेना लास्ट में। कब तक क्या प्लान, कब रिलीज करेंगे क्या? मैं भी जून में रिलीज करूंगा फिल्म को, बारिश के पहले, स्कूल के आसपास, स्कूल रिलीज के आसपास, स्कूल खुलने के पहले ही कर लेंगे। थैंक यू सर। नन्ही परी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और इनका कंसेप्ट गोयल्स जी ने जब मुझे सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। इसमें एक जो गाना रखा है और इसमें एक यूनिक नाम आपको सुनाई देगा, झक्की बाबा। झक्की बाबा का कैरेक्टर इस तरह के छोटे बच्चों को पालता है, यानी जो रोड पे घूम रहे हैं, तो इनसे वो काम करवाता है जो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अपनी दुनिया बना के रखी है। तो उसी संदर्भ में एक गाना है, बाबा ये झक्की बाबा बाबा। चलिए बस ना, और एक गाना, एक ही गाना, और दो गाना, एक ही गाना है सर, दो गाने, एक लाइन बोल दीजिए। ये अलका जी ने गाया है, माशुका 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 माशुका। ये थोड़ा सा अरबी टच है, मेरी फिल्म के पहले आना बन जाएगा। ये मजा आएगा आपको सुनने को। और कोई नन्ही परी फोटो ले लीजिए सबका।